पालमपुर में CISR के दो संस्थानों हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर तथा प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा बांस आधारित प्रौद्योगिकी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलियाना तथा पालमपुर के 60 छात्रों तथा अध्यापकों के अतिरिक्त होशियारपुर, मलेरकोटला, लुधियाना के उद्यमों ने भाग लिया। पालमपुर संस्था के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि हमारे संस्थान पिछले 30 वर्षों से बांस के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बांस पर काफी शोध भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान की बदौलत 17 राज्यों में बांस की अच्छी प्रजाति तैयार की गई है और 1200 से ज्यादा हेक्टर में बांस की अच्छी प्रजाति को लगाया गया है। संस्थान ने बहुउपयोगी बांस का मूल्यवर्धन करके बांस चारकोल, वंशलोचन, बांस के खाद्य पदार्थ तैयार किए हैं। संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। जैसा आपको पता है कि जो हमारा संस्थान है पिछले करीब 30 सालों से बैम्बू के क्षेत्र में कार्यरत है और अलग अलग दिशाएं हमने ली हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण हमने दिशा ली थी पहले कि प्रोपोगेशन ऑफ बैम्बूस, मास प्रोपोगेशन ऑफ बैम्बूस, और हमारे संस्थान की बदौलत जैसे आपको पता है कि करीब 17 राज्यों में बैम्बू की क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल गए हैं, करीब 1200 से ज़्यादा हेक्टेयर बैम्बू के अंडर प्लांटेशन में आया है सही वेराइटीज़ के माध्यम से। साथ साथ हमने बैम्बू की मैपिंग करी है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। हमने कुछ तकनीक डेवलप करी थी कुछ अर्ली स्टेजेस की, वो तकनीक जैसे हमने कोल बनाने की तकनीक डेवलप करी थी अपने संस्थान में, हमने फूड प्रोसेसिंग की तकनीक डेवलप करी थी अपने संस्थान में, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी थी कि हम इसमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, तो उसलिए हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्री भोपाल, इनके पास महारत हासिल है कि ये कंपोजिट बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि जो बैम्बू है, बैम्बू की अगर हम कंपोजिट तैयार कर सकें जो वुड को रिप्लेस करें, तो हमारे लिए एफॉरेस्टेशन को बचाने का या डिफॉरेस्टेशन को बचाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है, और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए नंबर एक। दूसरा, सरकार ने बैम्बू को ग्रास घोषित किया है और आप बिना परमिशन के आप इसको काट भी सकते हैं, तो बैम्बू प्रोसेसिंग की हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने और एम्प्री भोपाल ने और एक दो और हैं, उन्होंने साथ मिलके ये प्रण लिया है कि हम बैम्बू की जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे वातावरण की रक्षा हो सके, लोगों के लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट हो सके और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने जो तकनीकी डेवलप करी हैं बैम्बू के अराउंड, वो लोगों तक हम पहुंचाएं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें और ऐसी ऐसी तकनीकों को हम बढ़ावा दें जिससे कि राष्ट्र निर्माण में और अपने प्रदेश के निर्माण में इसमें बहुत महत्वपूर्ण हम एक योगदान दे सकें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भोपाल के निदेशक डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य लकड़ी का विकल्प बाजार में लाना है। भारत में 136 बांस की प्रजातियां उपलब्ध हैं और हर प्रजाति में अपने अपने उपयोगिताएं एवं गुण हैं तथा बांस की प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे उपयोगी सामग्री बनाई जा सकती है, जिनमें 12 ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत उपयोगी हैं। बांस के द्वारा तकनीक की सहायता से टाइल और पैनल को भी तैयार किया जा सकता है। इस दिशा में CSIR और IHBT का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक्चुअली ये मटेरियल साइंस की लैब है, एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसपे कि हम हर पॉसिबल मटेरियल्स पे काम करते हैं, हाइब्रिड ग्रीन कंपोजिट। और इसमें हम जब हम हाइब्रिड ग्रीन कंपोजिट की बात करते हैं, जिस जो कि बैम्बू से मोस्ट रिलेटेड है, इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो वुड सब्स्टिट्यूट हैं उनको हम मार्केट में ले आएँ, और उसके लिए हमारे पास हर पॉसिबल रिसर्च फैसिलिटी है। और इन रिसर्च फैसिलिटीज़ में आप कोई भी मटेरियल लो, जैसे आप बैम्बू की बात कर रहे हैं, तो बैम्बू में सबसे पहले तो ये हमें पता करना पड़ेगा बैम्बू होता क्या है, उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन, थर्मल कैरेक्टराइजेशन,
और जितने फिजिकल करेक्टराइजेशन हैं टू फाइंड आउट कि बैम्बू में होता क्या है। आज हमारे यहाँ 136 वेराइटीज़ हैं बैम्बूज़ की। अब 136 वेराइटीज़ में सारी वेराइटीज़ के अपने अलग अलग कंपोजिशन हैं, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये पता करें कि ये 136 वेराइटीज़ किस किस एरिया में कौन कौन सी वेराइटी पाई जाती है। अब इनमें से कुछ वेराइटीज़ ऐसी होंगी 10 या 12 कम से कम ऐसी, जो कि बहुत यूज़फुल हैं हमें आगे उसको एक यूज़फुल मटेरियल बनाने के लिए, तो उसका हम कंपोजिट बनाते हैं। और उसको कंपोजिट बनाने के लिए हमें इसका सबसे पहले एक केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर हम उसमें कुछ एडेसिव यूज़ करते हैं, कुछ पॉलीमर यूज़ करते हैं उसको कंपोजिट बनाने के लिए। जैसे कि ये देखिए आपका ये है बैम्बू कंपोजिट का, एंड दिस इज़ रिप्लेसमेंट फॉर वुड, स्पेशली टीक वुड जो कि कॉस्टली होता है और डिफॉरेस्टेशन वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ। अभी आप सरकार को भी देखिए तो सरकार चाहती है कि जो हमारे जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व रहे, उसका हम कंजर्वेशन चाहते हैं, हम ट्रीज़ को नहीं काटना चाहते। तो ट्रीज़ को अगर नहीं काटना है और वो प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है तो हमें कुछ अल्टरनेट मटेरियल्स पे आना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट अवेलेबल, जैसे मैंने कहा कि गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली गिवन बैम्बू जो है वो हमारे पास है, तो बैम्बू को हम एज सच नहीं यूज़ कर सकते, उसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और इस तरह के कंपोजिट बनाने पड़ेंगे। तो ये जब कंपोजिट बन जाएगा, ये डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइज में आप बना सकते हैं, इसके आप पैनल्स बना सकते हैं, इसके फर्नीचर बनाएंगे, इसको आप रेलवे कोचेज में यूज़ कर सकते हैं, रोड साइड कंस्ट्रक्शन में, इसके फूड आइटम्स भी होते हैं। तो ये सारे मटेरियल जो हैं इसके ये आउटपुट हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में लाए जा सकते हैं।